नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। शक के बुनियाद पर एक और रिश्ता धाराशाही हो गया। जी हां, आपको बता दें, धनबाद में एक पति ने शक को लेकर एक पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर जान ले लिया और फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा। धनबाद में सोमवार की रात हल्दीपट्टी गांधी रोड में एक शख्स देवेंद्र, जो कि मिक्सर के गोदाम में कार्य करता था और उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उस रात्रि बच्चों के सो जाने के बाद देवेंद्र ने अपनी पत्नी को घर के बाथरूम में धारदार चाकू और सिलवट के लोढ़े से जान ले लिया और मौके पर घर से भाग निकला। इस घटना का पता चलते ही धनसार थाना तुरंत हरकत में आ गई और इस घटना का शिनाख्त करते हुए देवेंद्र को 2 घंटे के अंदर बटांड स्थित बस स्टैंड में धनसार पुलिस ने धर दबोचा। इस पूर्ण घटना का जांच करने के बाद थाना प्रभारी जयराम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि देवेंद्र ने अपनी पत्नी को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसे शक की बीमारी थी और उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। वही हमारा चैनल इसकी कड़ी निंदा करता है। कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर किसी व्यक्ति का जान लेने का अधिकार नहीं है। हमें कानून के दायरे में रहना चाहिए, न कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। देखिए, मेरा निवास स्थान गांधी रोड में हमको दस्तार थाना क्षेत्र पड़ता है। सुबह जब मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र में हमारे मित्र पुलिस कुमार गुप्ता के मकान में ग्रेड के हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, पता चला कि एक महिला को उसके पति द्वारा जो है हत्या कर दिया गया। तो लोग मौका वारदात तक पहुँचे, बड़ा बाबू दस्तार थाना के श्री जयराम प्रसाद जी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो महिला खून से लथपथ मरी पड़ी थी। अनुसंधान त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा बाबू ने जिस तरह से पूरे टीम के साथ कार्य किया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और 2 घंटा के अंदर उन्होंने मोबाइल का लोकेशन लेकर के बड़कड़क एरिया में इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। सूचना मिली थी सुबह में हम लोग को कि एक ठो अपना जो है उसका पत्नी को मार दिया, ये सूचना पर हम लोग गए और वहाँ जाके अनुसंधान किए उसमें। तो वहाँ उसको पत्नी सतमुज में जो है आपको लगभग मरी पड़ेगी। उसके बाद पता चला, उसका आपका जितने परिजन है बताया कि ये जो है इनको हमेशा प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे और शक करता था इसका, इसके चलते इसकी मृत्यु। वो जो है इसका पत्नी जो है वो ये इसका लड़का जो है पति जो है भाग गया था, जो इसमें विध्वस्त हम लोग उसको गिरफ्तार किए। अब वो जो है अपना जो है हत्या जो मारे उसमें उसका जो है चाकू और खून लगा आपका उसका जो है गमछी, ये सब बरामद किया गया है और विध्वस्त हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर, ये अकेले किया है या और कोई? बिल्कुल अकेले किया है आदमी। अच्छा। अकेले किया है अपना जो है, जब छोटा बच्चा उसका सो गया तो बाथरूम में जैसे ही गई उसी में बाथरूम में गेट बंद करके उसको आपको चाकू से और लोढ़ी से मार के हत्या कर दिया। हत्या का वजह क्या था सर? हत्या का जो है उसको शक्की था, वो जो है दिमाग में लगता है कि हमारा पत्नी किसी दूसरे से संबंध है। अच्छा। ये जांच का विषय है, ठीक है, वो शक के वजह से उसको हत्या कर दिया। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।